वही कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो पैसे की दिक्कत थी इस वजह से नहीं जा पाए थे, आप समस्या दूर हो गई? हाँ अब दूर हो गई। कितने की मदद मिली है? 65,000। कौन लोगों ने मदद दिया? ये केपी चौधरी सर ने। तो देखिए केपी चौधरी साहब हैं, इस समय मेरे साथ भावना गौतम हैं और उनके साथ हैं LIC SCST के जनरल सेक्रेटरी जो एसोसिएशन है उनके KP चौधरी साहब। दरअसल इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की तमाम संस्थाएं हैं और खासकर जो नौकरी में लोग हैं वो SC ST के नाम पर आयोग तो बना लेते हैं, पैसे का भी वो हिसाब होता है, लेकिन वो कर्मचारियों का कितना वेलफेयर कर पाते हैं तो कर्मचारी ही बताएंगे, लेकिन वो समाज का कितना वेलफेयर कर पा रहे हैं ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि KP चौधरी उसकी जीती जागती मिसाल है। और LIC का जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन हो सकता है उसमें दूसरे संगठन के भी होंगे, वो KP चौधरी बताएंगे, लेकिन मैं लगातार नज़र बनाए रखता हूँ, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुँचता हूँ। ये तीसरा या चौथा मौका है जब वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से दिन रात मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी वो मदद करते हुए दिखाई देते हैं। अभी मैंने देखा है कि सर वो चेक ऐड करके 65,000, अभी मैंने देखा कि 5 मिनट के अंदर 65,000 रुपये का एक कलेक्शन हुआ है, जमा हुआ है। और वो जो भावना गौतम है वो जाने वाली हैं डांस कंपटीशन में बैंकॉक, वही जानेंगे किस तरह का कंपटीशन है, क्या है ना। भावना गौतम आपको बधाई कि आप क्या है, आप कहाँ जाने वाली हैं और क्या है पूरा कंपटीशन? हम बैंकॉक जाने वाले हैं और ये IIGF का कंपटीशन है, इंडियाज इंटरनेशनल बुक फेस्ट, और उसका ये सेकंड सीजन होने वाला है। फर्स्ट सीजन दुबई में हुआ था, सेकंड सीजन के लिए मैं और मेरा ग्रुप सिलेक्ट हुआ है। तो आप भारत से आप रिप्रेजेंट करेंगे? हम इंडिया को। तो कितने हैं आपके ग्रुप में, कितने मेंबर हैं? मेरे को मिला के 5 मेंबर। क्या करती हैं आप लोग, क्या परफॉर्म करती हैं? वैसे हम काफ़ी सारे स्टाइल करते हैं, वेस्टर्न करते हैं हम स्टाइल, उसमें अर्बन करते हैं हम ज़्यादा। इससे पहले कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? इससे पहले अभी हम इंटरनेशनल तो नहीं, बट जैसे शोज होते हैं छोटे मोटे अभी वही कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो पैसे की दिक्कत थी इस वजह से नहीं जा पाए थे, आप समस्या दूर हो गई? हाँ अब दूर हो गई। कितने की मदद मिली है? 65,000। कौन लोगों ने मदद दिया? ये KP चौधरी सर ने। तो देखिए KP चौधरी साहब हैं, अब दिक्कत दूर हो जाएगी ना? तो हम बैठिएगा KP चौधरी साहब, ये वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे जितनी संस्थाएं चल रही है उनमें कर्मचारियों का वेलफेयर हो रहा है, अधिकारियों का वेलफेयर हो रहा है, सेटिंग एटिंग हो रहा है, आपकी तरह लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं जैसे आप लगातार इस तरह से जो सोशल कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, क्या इसमें करने की जरूरत है वेलफेयर एसोसिएशन वालों को? निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिल गया सरकार की नौकरी में, आज उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हमारा यही कहना, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले बार आपने देखा कि जो हमारा सब्बीरपुर सहारनपुर जो पीड़ित परिवार हमारे थे, हमने 16.5 लाख रुपए की मदद सारे आपके LIC ने दिया, एसोसिएशन ने, सारे महासंघ के सभी लोगों ने मिलकर के, उसमें LIC भी एक पार्ट रहा, उसमें सिंडिकेट बैंक भी रहा, उसमें बैंक ऑफ इंडिया भी रहा और CPW, सभी लोगों ने मिलकर सबके सेक्रेटरी आप हैं, मैं सारे महासंघ का, क्योंकि जितने भी सरकार के महकमे पूरे देश में काम करते हैं उन सबको मिलाकर के उसका एक महासंघ बना हुआ है। उस महासंघ का मैं पिछले 1997 से सेक्रेटरी जनरल हूँ और इसमें जो चेयरमैन है वो 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, जिसमें पहले उदित राज चेयरमैन हुआ करते थे, उसके बाद मैं रेलवे के सोमनाथ हंस चेयरमैन बने, उसके बाद दिल्ली विद्युत बोर्ड के DC कपिल चेयरमैन बने, उसके बाद मैं फिर CPWT के BS भारती साहब चेयरमैन बने, उसके बाद इंडियन रेलवे के अशोक कुमार बने, उसके बाद फिर द्वारकर से BS भारती CPWD से चेयरमैन बने, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि समाज के लोगों ने मुझे निरंतर इस महासचिव की जिम्मेदारी, मैं इसको 1997 से निभा रहा हूं। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे 97 की रैली हो, चाहे 99 की रैली हो, चाहे सड़क पर आने की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हो, चाहे समाज की आवाज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाने की बात रही हो, चाहे कनाडा पार्लियामेंट में उठाने की बात रही हो, चाहे UNO पे डेमोस्ट्रेशन की बात रही हो, चाहे वाशिंगटन का जो व्हाइट हाउस है उस पर प्रदर्शन की बात रही हो, हम लोगों को जो जिम्मेदारी समाज के लोगों ने दी हमने उसको भरपूर पूरी ईमानदारी। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी, उधर सुप्रीम कोर्ट का जज है, एक ब्राह्मण जज है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण द्विज होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी अधिकारी में एक फियर फैक्टर होता है, शोषण तो है ही, अधिकारी ऊपर लेवल पे मदद नहीं मिल पाती है, आप लोग कहाँ से इतनी हिम्मत ला पाते हैं? देखिए बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा, उनको समझा सीखा, उनसे ये प्रेरणा मिलती है, माता पिता ने जो शिक्षा दी उसका भी हर रोज़ हमको मदद मिलती है। और रही बात ये कि अगर आदमी ये सोच ले कि मुझे समाज को कुछ देना है, तो निश्चित रूप जब 16.5 लाख रुपये की बात होती है तो कई लोगों को यकीन नहीं होता
कि 16.5 लाख रुपए की मदद सबीरपुर के लोगों तक पहुंची, लेकिन ये सच है कि संसद मार्ग पर लाखों लोगों के सामने हमने ये मदद दी। हमने सहारनपुर के जिला कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के मदद दी, इवन इंटरनेशनल लेवल से भी हमने लोगों की मदद को, हम लंदन से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। चौधरी साहब, वेलफेयर एसोसिएशन कर्मचारियों के लिए तो काम करता ही है, आप जो जैसे अभी भावना गौतम को जैसे आपने मिल किया, आपने जिस तरह से मदद दी, मैं उसमें गवाह भी हूँ, देखा है। भावना, उम्मीद थी कोई मदद करने के लिए आगे आएगा? नहीं, अभी नहीं, सर से मिली थी तो हो गई थी वैसे। हाँ, और अब तो मिल ही गया, तो अब लग रहा है कि आपका जो ख्वाब है, आपका जो सपना है, वो उसके करीब करीब पहुंच रही है। आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, जितना हारना मुझे ज्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, आप उसमें भागीदार बन पाएंगे। घर वाले पहले चिंतित थे कैसे होगा, पैसे कहाँ, क्या करते हैं पापा? पापा जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। मम्मी? मॉम भी। किस क्लास में पढ़ाई करती हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर। तो डांस कब से कर रही हैं? डांस मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट करा है। अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं आप, कहाँ से? डीयू से। डीयू से। आगे क्या क्या बनना चाहती है, क्या सपना है? बनना तो मैं डांसिंग लाइन में आगे जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो कहाँ से, कैसे शुरुआत हुई डांस की? डांस की शुरुआत मेरी हुई, मैं बिना बताए डांस क्लास में ऐसी चली गई थी एक बार। मेरे को शौक बचपन से था, फिर मैंने आके बताया पापा, मैं देख कर आई थी। तो देखिए, बहुजन समाज के बच्चों के साथ ये तकलीफें जुड़ी होती हैं। हिमा दास 6 गोल्ड ले आती हैं तब भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता। आपको, अगर आप चाहते हैं कि इस बदलाव की प्रक्रिया में हिस्सा बने, तो आरक्षण से जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं, चौधरी जी पर उससे सवाल भी लूँगा। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा था, आपने जो हिस्सा आपको बाबा साहब की ओर से मिला है, उसमें से कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं आप, वो ज़रूर कीजिए। तभी आपका समाज मजबूत होगा, तभी आपकी दुनिया भर में नाम होगा, हिस्सेदारी होगी। और भावना जैसे लोगों की मदद कीजिए ताकि आप मेन स्ट्रीम में जाएँ। सर, एक बड़ी आप कमी रह गई, आरक्षण के लिए कोई लड़ने वाला बच्चा नहीं है। जिनको एक, जिनके बाप दादा को आरक्षण मिला, चाहे SC हो, ST हो, BC हो, वो उनका बच्चा अभी 3-3 पीढ़ी से लोग आरक्षण खा रहे हैं, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी नहीं हो रहा है। और इसलिए आरक्षण की लड़ाई अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हमने आरक्षण वाला समाज बहुत सीमित कर दिया है और बड़ा तबका छूट गया है। आप लगातार उस पर भाषण दे रहे हैं, बात करें, आपके तो कर्मचारी ही नाराज हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कर्मचारियों को कि अपने बेटा को जनरल में क्वालिफाई कराओ, और जिसका बाप आरक्षण में नहीं आ पाया है, जिसकी कोई पीढ़ी स्कूल नहीं पहुंचा, उसकी मदद करो। तो आप तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शंभू जी, ये नैतिक जिम्मेदारी है और नफा नुकसान सोचने का, अगर हम अपना नफा नुकसान सोचेंगे, हम अपने समाज के लोगों को जागृत करने का काम करते रहे। जैसे अभी आपने पे बैक सोसाइटी सिद्धांत की बात की, अगर जीवन पर एक नजर डालें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, जब हम वाशिंगटन के व्हाइट हाउस पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमने ये सोचा नहीं था कि हमें जेल भी भेज सकता है वहाँ का प्रशासन, लेकिन हमने प्रदर्शन किया। जब हमने कनॉट प्लेस के अंदर ये एम्पायर खड़ा किया, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल, आप कई बार वहाँ पर आते हैं, समाज के हर व्यक्ति को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो हटकर के काम हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा, इस बिटिया को 65,000 रुपये की मदद हुई, 16.5 लाख की सहारनपुर मदद हुई। जितना भी समाज का कोई आज, जिसकी बिजली कट जाती है तो उसको 15,000 की मदद, किसी की टांग में चोट आ जाती है 25,000 रुपये की मदद हो जाती है, किसी के बच्चे की फीस नहीं जाती 6,000। मेरी भी मदद की इन्होंने, जब कभी मेरे पास ट्राईपोर्ट नहीं होता तो चौधरी जी मेरी भी मदद। नहीं, जो साथी यहाँ पर आया, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, समाज का हर व्यक्ति जिसकी जरूरत हुई और परेशानी में, उसकी कोशिश की गई उसकी मदद। हम ये दावा देश भर में जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के एसोसिएशन है, वो क्या इस तरह से इनिशिएट कर रहे हैं या लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं? वो मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, और मुझे आशा है कि वो लोग कर भी रहे होंगे। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उनसे ये गुजारिश रहेगा कि वो इनसे प्रेरणा लें, इन सारी जो गतिविधियाँ हम लोग कर रहे हैं, और वो भी इन गतिविधियों को करें। डर वाला फैक्टर कैसे निकालेंगे? लेकिन डर वाले फैक्टर के लिए तो हमें तो मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको नौकरी दी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज आप इस स्थिति में आए हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के आप अपने समाज से प्यार करिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। कोई डरने की बात है ही नहीं साहब, आप चोरी नहीं करते। मैं इस पूरे इंटरव्यू में KP चौधरी को इसलिए रख रहा हूँ कि इससे लोगों को प्रेरणा मिले, और भावना की तरह वो तमाम बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मदद की दरकार है, तो आपको मदद करें। क्योंकि मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बाबा साहेब फूले, पेरियार, अम्बेडकर, शेख फातिमा, माता सावित्री बाई फूले के त्याग की वजह से आप बड़े हैं। आज शंभू KP चौधरी बोल रहे हैं तो किसी ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, बाबा साहब ने, मान्यवर कांशीराम ने, फूले पेरियार, रामस्वरूप वर्मा, तमाम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। आप अगर इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लों के पीछे फिर गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटका दिया जाएगा, जिसकी पूरी कवायद हो रही है। तो ना तो KP चौधरी एहसान कर रहे हैं, ना बाबा साहब हम लोगों पर एहसान कर गए, और उन्होंने हमें बताया था कि आपको क्या करना है।
जरूरत है पे बैक टू सोसाइटी ईमानदारी से करने की, और भावना जैसे जो भी बहुजन समाज की बच्चियां हैं आर्थिक रूप से जो दयनीय हालत में, उनकी मदद करें, और केपी चौधरी वो काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, सहमने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है कि सर सरकारी नौकरी में एक बार हम आ गए, ये तो मैं मानता हूँ कि बहुजन समाज का जो भी मदद है वो बहुजन समाज के ही लोग कर रहे हैं जी, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और बेहतर क्या करने की जरूरत है ताकि तमाम भावना गौतम जैसे बच्चियों की मदद हो सके। देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान में ये व्यवस्था कर गए हैं कि जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भारत के बजट में जो एलोकेशन होगा वो पैसा करीब 2,00,000 करोड़ रुपए संभूजी बनता है, जो हर साल हमारे समाज पे खर्च होना चाहिए। और इतना ही बजट राज्य सरकारों का करीब 4,00,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार इसमें पहल करे। भारत की सरकार तहसील के स्तर पर हमारे गरीब बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का हमें रेजिडेंशियल संसद में होना चाहिए। 131 लोग जो बैठे हुए हैं, मैं पूरा पार्लियामेंट का सेशन देख रहा हूँ, कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं। देखिए हम अपने संसद क्यों नहीं जाते, हम अपने सांसदों से भी ये निवेदन करेंगे, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के 25% के आरक्षण से चुनकर जा रहे हैं उन्हें इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के जो उनका एहसान बाबा साहब अम्बेडकर का उनके ऊपर है उसको उन्हें समझना पड़ेगा, और बाबा साहब के मिशन के लिए उनको काम करने की जरूरत है। इतना बजट आता है और वो बजट पहुंच नहीं रहा है, नहीं 2-4 लाख करोड़ रुपया हर साल इस समाज पर खर्च होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से आपके टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप सारे देश के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इस देश के गरीब तबके के लिए आप तहसील के स्तर पर 1,000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल उस पैसे से बना दीजिए। एक जिले में औसतन 4 तहसील है, 4,000 बच्चे एक जिले से पढ़कर जब निकलेंगे, ग्रेजुएट बनकर निकलेंगे, हर जिले से इतने लाखों बच्चे जब पूरे देश से निकल करके आएंगे, एजुकेशन हमारे बच्चों के हाथ में होगी। और साथ साथ मैं इस टीवी आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से एक और विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आपने 10% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए दिया और वो सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग को पार कर गया जो लिमिटेशन थी। सर हमारा जो आरक्षण है एटलीस्ट कम से कम निजी क्षेत्र में तो बहाल कर दीजिए। जब सरकारी क्षेत्र जमीन दे रहे हैं आप, सरकार का पैसा बैंकों का पैसा उनको दे रहे हैं निजी क्षेत्र के लोगों को, तो उसमें रिजर्वेशन देने में इस गरीब देश के गरीब तबके के लिए आपको दिक्कत क्या आ रही है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के बने हुए हैं वो तो उतना बोल नहीं पा रहे, उनको लगता है टिकट कट जाएगा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं संसद? आपको आप अपील कीजिए लोगों से। मेरा अनुरोध ये है कि जो लोग संसद में जा रहे हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमने उनसे सीखा है, हम अपनी समाज के प्रति एक सोशल वर्कर के रूप में जो जिम्मेदारी हमको दी गई उसको ईमानदारी से निभाने की हमने कोशिश की है। आकलन समाज करेगा कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि सांसद बनना इसके लिए जरूरी नहीं है जैसा मैं मानता हूँ। इसके लिए सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। समाज अगर इकट्ठा हो गया और समाज एकजुट हो गया तो मुझे लगता है समाज की समस्या हल हो जाएगी। शुक्रिया केपी चौधरी साहब हमें टाइम देने के लिए। और ये भावना गौतम है जिसकी अभी मदद हुई है SC ST एसोसिएशन जो है LIC SC ST वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने 65,000 रुपए की मदद की है। और भावना गौतम जो है महासंघ की तरफ से, महासंघ की तरफ से भावना गौतम जो है वो डांस करती हैं और वो बैंकॉक जा रही हैं। और इससे पहले कि आपकी प्रतिभाएं दम तोड़ दे उनको जगह जगह पर आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मदद कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।